नेपा नगर विधानसभा की पूर्व कांग्रेस विधायक और वर्तमान भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा देवी काजडेकर का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें खंडवा के निजी नर्सिंग होम में उपचार हेतु भर्ती किया। सुमित्रा देवी को अचानक कमर में दर्द हुआ और बाएं पैर से चलने में तकलीफ होने पर उन्हें कल खंडवा लाया गया, जहां निजी नर्सिंग होम में उनका उपचार जारी है। आज सुमित्रा देवी काजडेकर की MRI जांच करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट पश्चात दर्द की असली वजह पता चल सकेगी। सुमित्रा देवी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने भाजपा प्रवक्ता सुनील जैन भी हॉस्पिटल पहुंचे। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। ऊपर से हमको आदेश मिले CM साहब के, आप बिल्कुल क्षेत्र में रहिए, घूमिए, और जो हमारे 15 महीनों में काम नहीं हुए थे पिछले कमलनाथ की सरकार में, और 15 महीने के काम नहीं हुए तो वो मुद्दा को मैं अभी लेके जाऊंगी नेपा नगर विधानसभा में और जनता से बोलूंगी। जो 15 महीने में मैं काम नहीं कर पाई हूँ वो माननीय शिवराज जी के सरकार में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों को देखकर और ये प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। यही मुद्दा को ले जाऊंगी, जो हॉस्पिटल के मुद्दा हमारे सबसे मेन मुद्दा हॉस्पिटल के नेपा नगर के। 15 महीने में मैं लाख कोशिश की पर वो कोशिश मेरे से पूरी नहीं हुई है। मैंने लाख चिट्ठी दिए कमलनाथ जी को, मैंने उनको बोले थे कि साहब यहाँ पे जो हॉस्पिटल का है 25 से 30 गाँव लगते हैं और यहाँ पे हॉस्पिटल के काम करवाना ज़रूरी है। तो कमलनाथ जी ने भी हाँ ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे ये करके मुझे वो कर दिए थे, रिस्पांस तो मिले नहीं है। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई वैसे CM साहब के पास गए, उनको कूल्हे में दर्द चालू हो गया था और उनको चलने में दर्द काफ़ी हो रहा था। यहाँ पर आया तो उनको चलते नहीं, मतलब पैर थोड़ा भी हिलता था तो काफ़ी दर्द हो रहा था, तो हमको लगा कि हिप जॉइंट में सूजन लगती है। उसी तरह हमने खून की जांच कराई और एक्सरे कराया तो कुछ खून में खराबी निकली, सूजन के लक्षण लगे उसमें, तो हमने उनको भर्ती कर लिया और सूजन उतारने की दवाएं चालू करी और रेस्ट दे दिया। कल से अभी थोड़ा फ़र्क तो पड़ गया काफ़ी उन, और डिटेल MRI करके और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो डिटेल जानकारी मिल जाएगी हिप में और किडनी का सूजन बची हुई है। और कोई प्रॉब्लम है तो MRI जब डिटेक्ट हो जाएगा उसके बाद इलाज करेंगे, ठीक होने में 5 से 7 दिन टाइम लग सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।